अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी रिहा किरण। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ब्यूटीफुल गर्ल्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुपर डुपर सी रेमेडी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए 100 फिट वाइटिंग के लिए एक ऐसी क्रीम लेकर आई हूँ जो कि मैं खुद भी पर्सनली यूज़ करती हूँ। तो जी, वो क्रीम सिर्फ 3 इंग्रीडियंट्स के साथ घर में ही आप इजीली रेडी कर सकेंगे और वो तीनों चीज़ें आपको इजीली आपके घर से ही मिल जाएंगी। अगर आप चाहती हैं कि आपके 100 फिट के कलर 2 से 3 शेड लाइट एंड टोन हो जाए, तो आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और वॉच करके आपने इस क्रीम को लाजमी प्रिपेयर करना है और इसे यूज़ करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपको इसके कितने अमेजिंग रिजल्ट मिले हैं। तो फिर देर किस बात की है, चले हम फिर क्रीम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी, इस क्रीम में जो मैं फर्स्ट चीज़ यूज़ करूँगी वो है जी वैसलीन। वैसलीन आपको पता है कि इजीली हर घर में ही अवेलेबल होती है क्योंकि विंटर्स चल रहा है। तो जी, मैं यहाँ पर लूँगी 1 टीस्पून वैसलीन का। ये देखिए जी, 1 टीस्पून मैं इस बाउल में जो है वैसलीन ऐड करूँगी। और सेकंड जो चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगी वो भी बहुत पावरफुल है 100 फिट की वाइटनिंग के लिए। मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी जी मिल्क पाउडर, ड्राई मिल्क पाउडर ही मैं इसमें यूज़ करूँगी। 1 टीस्पून ही जी मैंने इसमें मिल्क पाउडर लिया है। ये देखें, 1 टीस्पून ही मैंने वैसलीन ली है, 1 टीस्पून ही मैंने लिया है ड्राई मिल्क पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का जो है वो मिल्क यूज़ कर सकते हैं। थर्ड जो चीज़ है वो बहुत ही पावरफुल है, आपके 100 फिट को बहुत ज़्यादा वाइटनिंग प्रोवाइड करेगा। ये इसका मैजिक तो आप खुद ही देख लेंगे। तो जी, ये है जी मेरे पास मीठा सोडा जो हम अक्सर खानों में यूज़ करते हैं। तो जी, मैं यहाँ पर 1 टीस्पून ही लूँगी भर के मीठा सोडा पाउडर। ये देखें जी, इसको भी मैं इसी बाउल में ऐड कर दूँगी। अब हम इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से जो है मिक्स करेंगे। ये देखिए जी, कुछ इस तरह से मिक्स हो गई है हमारे पास। इसको मैं थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में करने के लिए इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा रोज़ वाटर। अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो आप इसमें प्लेन वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए जी, इतना सा मैंने इसमें जो है रोज़ वाटर ऐड किया। मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि थोड़ा सा हमारे पास क्रीमी टेक्सचर में मॉइस्चर सा हो जाए। ये देखिए जी, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में हमारे पास क्रीम जो है बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसे यूज़ कैसे करना है। तो जी, सबसे पहले तो हम लेंगे इस तरह का एक एम्प्टी जार जिसमें हम इस क्रीम को स्टोर कर सकें। तो ये जितनी भी क्रीम मैंने रेडी की है सारी मैं इस कंटेनर में ट्रांसफ़र करके वापस आती हूँ। तो जी, मैंने सारे क्रीम को इस जार में ट्रांसफ़र कर लिया है। ये देखें जी, हमारी कितनी ज़बरदस्त 100 फिट वाइटनिंग क्रीम जो है घर पर ही रेडी हो चुकी है। तो जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसे यूज़ कैसे करना है। हम लेंगे इस तरह से क्रीम अपने हैंड पर, इस तरह से हम इसे अपने पूरे हैंड पर अच्छे से अप्लाई करेंगे। ये देखिए जी, इतना ऑसम और इतना अमेजिंग इसका रिज़ल्ट आएगा ना कि आप खुद शॉक्ड हो जाने वाली हैं इसके अमेजिंग से रिजल्ट्स देखकर। ये देखिए जी, इस तरह से हम अच्छे से इसको अपनी स्किन में जो है वो जज्ब करेंगे। 2 से 3 मिनट हम इसके इस तरह से मसाज करेंगे। मेक श्योर कि जब भी आप रात को सोते वक्त इसे यूज़ करें तो सोने से पहले अपने हैंड को और फिट को अच्छे से जो है वॉश कर लेना है, कोई भी मैल कुचैल, कोई भी डस्ट वगैरह आपके हैंड पे आपके फिट पे ना हो। इतने अमेजिंग इसके जो है वो रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये देखें जी, ये जिनके ये नकल्स वगैरह ब्लैक होते हैं तो वो यहाँ पर भी अच्छे से जो है इसका मसाज करें। 2 से 3 मिनट हम इसको अच्छे से जो है अपनी स्किन पे इस तरह से मसाज करके इसे ऐसे अप्लाई कर लेंगे। ये देखें जी, आप तो जी इसको रात को अप्लाई करके सो जाना है और सुबह मॉर्निंग उठ के आप अपने 100 फिट को वॉश कर लेना है। 7 डेज़ का ये चैलेंज है। 7 डेज़ के बाद आपने मुझे खुद आके कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कितने अच्छे इसके रिजल्ट्स मिले हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर लास्ट मिनट करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरी वीडियोस को और मेरी होम रेमेडीज़ को फॉलो करके ब्यूटीफुल से बहुत ब्यूटीफुल हो जाएं। ये जो क्रीम है, ये क्रीम आपकी 15 डेज इजीली चल जाएगी। तो जी, मिलूंगी मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।